नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, अमेरिका इन देशों के पास में कितना सोने का भंडार मौजूद है, और दूसरा बताएंगे कि भारत में जो 3650 टन सोना मिला है उसकी पूरी सच्चाई क्या है। वीडियो को पूरा सुने। तीसरा बताएंगे कि भारत यदि 2 साल में 2 नंबर का धनी राष्ट्र हो जाता है तो भूटान और नेपाल भी बहुत धनी राष्ट्र हो जाएंगे। तो जानिए पूरी सच्चाई 3650 टन सोने की। वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों इस समय दुनिया के बहुत सारे समाचारों में और भारत के बहुत सारे समाचारों में आपको एक ही चीज़ दिखाई दे रही होगी कि भारत में सोने का बहुत ही विशाल भंडार मिला है। तो क्या है इसकी सच्चाई, ये पूरा जाने। दोस्तों भारत में 5 जगह पे सोने के बहुत ही विशाल भंडार हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, राजस्थान और अब नया सोनभद्र में। रही बात सोनभद्र की, तो दोस्तों यहाँ सोन नदी के नाम से है। दोस्तों यहाँ पे पुराने समय में लोग 20 फीट की खुदाई से ही सोना निकाल लेते थे, और यहाँ की नदी जो है उसके पानी से या उसके पानी में सोने के बहुत ही सूक्ष्म कण आते थे जो कि लोग छान के निकाल लेते थे। आप ये मान के चलें कि सोनभद्र इसलिए यहाँ का नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे सोने की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, यहाँ के पानी में सोना पाया जाता है नदी के पानी में। तो दोस्तों इसकी खुदाई अंग्रेज लोग भी करना चाहते थे लेकिन उनको टाइम नहीं मिला क्योंकि उनको 200 साल लग गया भारत से। जो भारत ने प्राचीन काल में सोना निकाला था उस सोने को जमा करने में और ब्रिटेन ले जाने में उनको 200 साल लग गया। यदि 1947 में भारत आज़ाद नहीं होता तो अंग्रेज लोग सोनभद्र से जरूर सोना निकालते। 1980 में इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की थी कि सोनभद्र से सोना निकाले। उसके बाद 1998-99 में इस पर बहुत बातचीत हुई लेकिन कोई सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ से सोना निकाल पाए। फिर 2012 में ये पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया और भारत सरकार यहाँ से सोना नहीं निकाल पाई। भारत सरकार मौजूदा समय में लगभग 400 किलो सोना प्रति साल निकालती है और भारत की कैपेसिटी प्रति साल 2000-3000 किलो सोना निकालने की है। अगर थोड़ा सा कोशिश कर ले तो सबसे पहले दोस्तों ये जाने कि इंटरनेशनल प्रेशर ऐसे होते हैं जिसके कारण जो देश थोड़ा कमज़ोर हैं वो अपने पूरे खनिजों का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। ये इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं जो कि भारत पे बहुत सालों से दिए जा रहे हैं, इसलिए भारत अपने खनिजों की पूरी खोज नहीं कर पाता है या जमीन से नहीं निकाल पाता है। सन 2000 से पहले उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था, तो उस समय 1992 की बात है, कहा था कि सोनभद्र एक ऐसी जगह है जहां का सोना यदि निकल गया तो भारत बहुत ही अमीर राष्ट्र हो जाएगा। तो आजकल जो समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है कि सोनभद्र में 3650 टन सोना मिला है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। तो अब बात यह है कि इसी समय क्यों सोनभद्र का मुद्दा आगे बढ़ाया जा रहा है। सोना तो वहां पे बहुत सालों से मौजूद है, वो इसलिए कि मोदी को या बीजेपी को लगातार यदि सत्ता में रहना होगा तो उसे देश का विकास करना ही पड़ेगा, और देश का विकास करने के लिए भारत को पैसा चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहाँ से, कोई तो देगा नहीं, कोई अन्य देश तो देगा नहीं, उतना भी भारत उत्पादन किसी चीज़ का नहीं कर रहा है, तो ये पैसा अब आएगा खनिज पदार्थों से। इसलिए नरेंद्र मोदी ने पैसा कमाने के लिए, भारत का विकास करने के लिए अब भारत के खनिज पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कर देंगे 2023-24 तक,
वो लगभग यही देख के नरेंद्र मोदी ने कहा था। हालांकि नरेंद्र मोदी का अपना जो अंदाज है वो 5 ट्रिलियन नहीं कम से कम 14 ट्रिलियन का अंदाजा है कि 2025 तक भारत 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ये बीजेपी का अपना अंदाजा है, लेकिन वो डायरेक्ट 14 ट्रिलियन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 14 ट्रिलियन सुन के जनता उनको कहीं फेंकू न कह दे, इसलिए उन्होंने 5 ट्रिलियन कहा। और ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा सोनभद्र की, सोने की खाने से। तो आप ये समझें कि सोनभद्र में कोई भी सरकार के ऊपर प्रेशर रहता था, इसलिए वो सोना नहीं निकाल पाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी भी देश का प्रेशर नहीं मानते हैं, इसलिए वो भारत का विकास करने के लिए सोनभद्र से सोना जरूर निकालेंगे। और यदि ये सोना उन्होंने 2 साल 4 साल के भीतर ही भीतर निकाल लिया तो भारत की इकोनॉमी 14 लाख करोड़ हो जाएगी, यानी कि भारत बहुत अमीर देश हो जाएगा। अब जानिए आप कि किस देश के पास में कितना सोना है। हम केवल 5-7 देशों के ही नाम बताएंगे, एक तो अपने पड़ोसी देशों के और एक जिनके पास सबसे ज़्यादा है। तो इस लिस्ट में अमेरिका एक नंबर पे है, जिसके पास में 8133 टन सोना मौजूद है। दूसरे नंबर पे है जर्मनी, जिसके पास में 3386 टन सोना मौजूद है। तीसरे नंबर पे है इटली, 2451 टन। चौथे नंबर पे फ्रांस, 2436 टन। पांच पे रूस, 2241 टन। और छठवें नंबर पे है चाइना, 1966 टन। सातवें नंबर पे है स्विट्जरलैंड, 1000 टन लगभग। आठवें नंबर पे है जापान, 745 टन। नौवें नंबर पे है भारत, 618 टन। ताइवान, 423 टन। सऊदी अरब, 325 टन। फिलीपींस, 197 टन। पाकिस्तान, 64 टन। कतर, 42 टन। इंडोनेशिया, 78 टन। श्रीलंका, 19 टन। बांग्लादेश, 13 टन। नेपाल, 6.5 टन। तो भारत इस लिस्ट में 9वें नंबर पे है। लेकिन दोस्तों, ये 3650 टन यदि सोना निकल गया तो भारत की रैंकिंग 9 नंबर से सीधे 2 नंबर पे चली जाएगी और भारत की इकोनॉमी सीधे हो जाएगी 14 लाख करोड़। तो आप ये समझें कि नरेंद्र मोदी किसी भी देश का प्रेशर नहीं मानते हैं, इसलिए वो अब भारत का विकास करने के लिए भारत के खनिज पदार्थों का उपयोग करेंगे। दोस्तों, पुराने जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में भारत को सोने की चिड़िया फिर से कहा जाएगा, ये लगभग निश्चित है, चाहे वो 5 साल बाद हो या 20 साल बाद हो। क्योंकि भारत के पास में यूरेनियम और थोरियम के भी बहुत भंडार हैं, जो कि सोने से भी महंगे खनिज हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भारत इनका उत्पादन या इनका खनन नहीं कर पाता है, लेकिन मोदी सरकार रहती है तो वो सारे प्रेशरों को किनारा करेगी और खनन जरूर करेगी, और खनन ही भारत की उन्नति का मार्ग है। और दोस्तों, ये चैनल नेपाल की न्यूज बनाता है, इसलिए आपको बताते हैं कि भारत का विकास यदि होता है तो नेपाल का और भूटान का विकास अपने आप हो जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास कम है, इसलिए नेपाल का विकास भी ज़्यादा नहीं हुआ है। जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास चालू होगा, उस दिन नेपाल का विकास भी अपने आप होने लग जाएगा, क्योंकि नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार पे डिपेंड है। इसलिए आप ये मान के चलें कि भारत का विकास यदि होता है तो नेपाल का अपने आप हो जाता है, क्योंकि नेपाल 60% भारत पर टिका हुआ है। हालांकि नेपाल के समाचार पत्र कुछ भी कहें, नेपाल के समाचार पत्र झूठ फूट न्यूज बना के कुछ भी अपनी जनता को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कर देते हैं, लेकिन सच यही है कि नेपाल भारत के ऊपर डिपेंड है। भारत यदि विकास करता है तो नेपाल भी विकास करेगा, भारत यदि विकास नहीं करेगा तो नेपाल की कोई संभावनाएं विकास करने की नहीं है। और भूटान तो पूरा का पूरा भारत पे ही डिपेंड है, तो भारत के विकास में ही
नेपाल और भूटान का विकास लगभग निश्चित है। इसलिए नेपालियों को और भूटानियों को खुश होना चाहिए कि भारत के पास में इतना खनिज निकला है और भारत उस खनिज को खनन करके अपनी अर्थव्यवस्था पे लगाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत तो भूटान और नेपाल की अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। पहले नरेंद्र मोदी ने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, अब भारतीय जनता ने सोचा कि नरेंद्र मोदी झूठ कह रहे, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि ये देखो हम ऐसे करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी नहीं बताया जा सकता है कि भारत इस सोने को निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि निकालने में सफल हुआ तो भारत की पूरी इकोनॉमी 14 लाख करोड़ हो जाएगी। धन्यवाद।